हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बनाया जाता है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने कभी भी कोई भी केक नहीं बनाया है तो भी आप इस केक को बहुत आसानी से बना पाएंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जिनको यूज़ करने से आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टिन प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए हम एक पार्चमेंट पेपर लेंगे और उस पर टिन के साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे और इसको साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप मैदा डस्ट करके भी अपना टिन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टिन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, उसको चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर अपना पार्चमेंट पेपर लगा देंगे। अब हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें सीव की हेल्प से अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 3/4 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब हम अपने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। ऐसा करने से हमारे बैटर में एरेशन होता है जिसकी वजह से हमारा केक काफ़ी लाइट एंड फ्लफी बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ग्रैनुलेटेड या पाउडर शुगर। आप घर की नॉर्मल चीनी को भी मिक्सी में ग्राइंड करके ले सकते हैं। अब हम लेंगे 1/2 कप हॉट वाटर और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में हम डाल लेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इस मिक्सचर को हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे और साथ ही में डाल लेंगे कोई भी फ्लेवरलेस कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल लिया है। अब एक बलून विस्क या स्पैचुला की हेल्प से हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक मिक्स करें जब तक इसमें कोई लंप ना रह जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगी कि इसमें आप बीटर का यूज़ ना करें, सिर्फ विस्क की हेल्प से ही इसको मिक्स करें, अदरवाइज हमारा केक बहुत हार्ड बनेगा। और सबसे एंड में हम लोग ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर ऐड करने के बाद एक लास्ट टाइम अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें और एक केक टिन में पोर कर लें। मैंने इस केक के लिए एक 6 इंच का केक टिन लिया है। अपने बैटर के लिए केक टिन का साइज़ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अपने केक टिन को 4-5 बार ये टैप कर लेंगे जिससे कि कोई एयर बबल्स अगर सरफेस पे होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट बेक होने के बाद हमारा केक परफेक्टली बेक हो गया है। इसमें मैंने एक नाइफ इंसर्ट करके देखा है, अगर नाइफ पे कोई गीला बैटर नहीं है इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक हो गया है। अब केक को हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, हमारा परफेक्ट चॉकलेट स्पॉन्ज केक तैयार है। इस स्पॉन्ज केक को यूज़ करके हम कोई भी चॉकलेट केक बना सकते हैं। अब हम गिटार टॉपर बनाने के लिए थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से चॉकलेट मेल्ट करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप या फिर 125 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट का यूज़ किया है। डबल बॉयलर बनाने के लिए एक पतीले में थोड़ा सा पानी लें और उसके ऊपर एक कांच के बोल में अपनी चॉप की हुई चॉकलेट ले लें। अब इस पानी से निकलने वाली स्टीम से ही ये चॉकलेट मेल्ट होगी। पूरे प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अब जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट होती है तब तक हमको लगातार अपने स्पैचुला से इसको स्टर करते रहना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो यही मेथड चॉकलेट मेल्ट करने के लिए बेस्ट रहता है। तो देखिए, लगभग 10 मिनट के बाद मेरी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम अपने बोल को इस डबल बॉयलर से हटा लेंगे और अपनी मेल्टेड चॉकलेट को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक DIY पाइपिंग बैग का यूज़ किया है। ये पाइपिंग बैग्स कैसे बनाते हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी। गिटार टॉपर बनाने के लिए मैंने गूगल से एक गिटार का टेम्पलेट डाउनलोड किया और उसको एक A4 शीट पे ड्रॉ कर लिया था। अब उसके ऊपर हम अपना पार्चमेंट पेपर रखेंगे और मेल्टेड चॉकलेट की हेल्प से इस पार्चमेंट पेपर के ऊपर अपना गिटार का टेम्पलेट ट्रेस कर लेंगे। तो पहले इसको अच्छे से चॉकलेट से आउटलाइन करेंगे, फिर इस पूरी फिगर को
चॉकलेट से फिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने मॉडे की मिल्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ की है। तो जब भी हमें कभी ऐसे टॉपर्स बनाने होते हैं तो कंपाउंड चॉकलेट सबसे बेस्ट रहती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे जिससे कि हमारी चॉकलेट पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अपना टॉपर दो पार्ट्स में बनाया है। तो टॉपर बनाने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था जिससे ये हमारी चॉकलेट हार्ड हो गई और हमारा टॉपर अच्छी तरह से पील ऑफ हो गया। अब मैं इसके हैंड को गिटार की बॉडी के साथ मेल्टेड चॉकलेट की हेल्प से अटैच कर दूंगी। चॉकलेट की तरह ही थोड़ी सी डार्क चॉकलेट भी हम डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लेंगे जिससे कि हम अपने गिटार को टू टोन इफेक्ट दे पाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए कैसे मैं गिटार के हैंड को एक डार्क टोन दे रही हूँ। इसी से मैं इसकी आउटलाइनिंग भी कर दूंगी। तो अब मेरा गिटार कंप्लीट हो गया है। मेल्टेड चॉकलेट की हेल्प से हम कोई भी टॉपर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नेम टॉपर भी इस चॉकलेट की हेल्प से बना रही हूँ। केक टॉपर्स बना लेने के बाद अब हम अपना केक असेंबल करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी व्हिप क्रीम पहले से ही तैयार करके रखेंगे और एक केक बोर्ड पे अपना केक स्पॉन्ज लेंगे। अब हमें इस केक स्पॉन्ज के तीन हिस्से करने हैं, तीन लेयर्स में इसको बराबर से कट करना है। तो बस आप मेरे हाथ का मूवमेंट देखिए किस तरह से मैंने नाइफ पकड़ा हुआ है और किस तरह से मैं अपनी टर्न टेबल को घुमा रही हूँ। टर्न टेबल को धीरे धीरे घुमाते हुए अपनी केक की तीन लेयर्स को इवनली कट कर लेंगे। केक की फिलिंग में क्रीम के साथ हम लोग चेरी और चॉको चिप्स का भी यूज़ करने वाले हैं, तो उसको भी हम पहले से ही तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैंड चेरीज़ ली हैं, लेकिन आप चाहें तो आप फ्रेश चेरीज़ भी ले सकते हैं। चॉको चिप्स यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अपने केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, उसके ऊपर अपनी केक की एक लेयर रखेंगे। अब उस लेयर को हम शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर देंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने एक टेबल स्पून शुगर में 3 टेबल स्पून वाटर मिक्स किया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे। यहाँ पे क्रीम की लेयर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ अपने केक्स में। तो हम क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप मेरे पैलेट नाइफ का मूवमेंट देखिए अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हम अपनी चॉप चेरीज को स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ी सी चॉको चिप्स भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी क्रीम लगा के चेरीज़ को अच्छे से कवर कर देंगे। फिलिंग में कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना रखना है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। अब हम अपनी केक की सेकेंड लेयर को लगा देंगे और वही प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे। इस लेयर को भी हम अच्छे से सोक कर लेंगे। और फिर क्रीम, चेरीज और चॉको चिप्स की एक लेयर लगा देंगे।
अब हम अपनी टॉप लेयर लगाएंगे। तो जो केक की बॉटम लेयर है उसको मैंने टॉप पे रखा है ताकि हमें एकदम स्ट्रेट टॉप मिले। इस लेयर को भी हम अपने शुगर सिरप से सोक कर देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्रीम स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर हमें चेरीज और चोको चिप्स नहीं लगानी है क्योंकि ये टॉप लेयर है। अभी हम इस केक के ऊपर क्रम कोटिंग कर रहे हैं। क्रम कोटिंग का मतलब है जो केक के क्रम्स हैं वो हमारी फाइनल कोटिंग में नहीं आने चाहिए। इसके लिए हम एक आइसिंग की पतली कोटिंग करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद अपनी फाइनल कोटिंग करते हैं। तो जितने भी इसके लूज क्रम्स होंगे इस कोटिंग में सारे सील हो जाएंगे। ये लेयर एकदम पतली रखनी है। तो यहाँ पे हमारी क्रम कोटिंग कंप्लीट हो गई है। क्रम कोटिंग के बाद हम अपने केक को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे हमारी कोटिंग सेट हो जाएगी अच्छी तरह से। यहाँ पे एक बार ध्यान रखनी है कि क्रम कोटिंग के टाइम पे जो हमने क्रीम स्क्रेप की है ना, इसको हमें डिस्कार्ड करना है, इसको बाकी की क्रीम में मिक्स नहीं करना है, वरना हमारी फाइनल कोटिंग में भी क्रम्स के छोटे छोटे पीसेस दिखाई देंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब हम अपने केक को रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम अपनी फाइनल कोटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके केक की वॉल्स पे ऐसे लगा रही हूँ। आप चाहें तो एक पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के साइड में लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी ईवन लेयर आएगी आइसिंग की। मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो मैं अपने पैलेट नाइफ को लेके ही क्रीम को लगा दूंगी। इस टाइम पे हमें थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लगानी है, लेकिन ये सारी क्रीम स्क्रेप हो जाएगी। आप बस मेरे हैंड मूवमेंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। आपको अपना स्पैचुला या पैलेट नाइफ इसी तरह से चलाना है। अब हम इसके टॉप पे भी थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, उसको भी स्मूद आउट करेंगे। अब एक बेंच स्क्रेपर की हेल्प से साइड की एक्स्ट्रा क्रीम को स्क्रेप कर देंगे। अगर आपके पास बेंच स्क्रेपर नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल इवन प्लेइंग कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कार्ड क्लीन करके जो कि जिसके एजेस एकदम स्ट्रेट हो आप यूज़ कर सकते हैं। इस केक की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसमें बहुत क्लीन फिनिश की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम टॉप आइसिंग को पूरी तरह से चॉकलेट से कवर कर देते हैं। तो बिगिनर्स के लिए भी ये केक बनाना आसान हो जाता है। पर फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम इस केक को जितना स्मूथ और क्लीन कर पाए उतना अच्छा है। तो देखिए हमें किस तरह से मैं अपना पैलेट नाइफ यूज़ करके इसके टॉप को स्मूथ बना रही हूँ। अब अपने केक बोर्ड को एक टिश्यू से अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अब अपने केक के टॉप को हमें ग्रेटेड डार्क चॉकलेट से कवर करना है। यहाँ पे आप कोई भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर कोई टॉपर लगाएं, सिर्फ ग्रेटेड चॉकलेट की हेल्प से ही आप पूरे केक को डेकोरेट कर सकते हैं। यूजुअली बेकरीज में जो ब्लैक फॉरेस्ट केक मिलता है वो इसी तरह का मिलता है। Thank you.
अब इसके ऊपर हम अपना गिटार वाला टॉपर रख देंगे। अब हम एक पाइपिंग बैग की हेल्प से इस केक के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टार वाला नोज़ल यूज़ किया है। इस नोज़ल का नाम 1M है। आप कोई भी फ्लावर या स्टार वाला नोज़ल यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स और कुछ स्टार की हेल्प से इस केक को पूरी तरह से कवर कर दूंगी। अब हम केक की वॉल्स को डेकोरेट करेंगे। तो मेरे पास एक चॉकलेट मोल्ड था जिसकी हेल्प से मैंने कुछ चॉकलेट डेकोरेशंस तैयार कर ली थी, लेकिन आप जैसे आपने टॉप पे ग्रेटेड चॉकलेट का यूज़ किया है, उसी ग्रेटेड चॉकलेट को यूज़ करके आप इसकी वॉल्स को भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम कुछ चेरीज लेके इन फ्लावर्स के ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे जिससे कि एक सिग्नेचर ब्लैक फॉरेस्ट केक का लुक आ जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश चेरीज हैं तो आप वो यूज़ कीजिए, उनसे लुक और भी अच्छा आता है। अब हमें इस गिटार की स्ट्रिंग्स बनानी है, तो उसको बनाने के लिए मैं एक DIY पाइपिंग बैग में थोड़ी सी व्हिप क्रीम ले लूँगी। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में एक बहुत ही छोटा सा कट लगाया है जिससे मुझे एकदम फाइन लाइन मिल रही है। तो इस तरह से हम अपने गिटार की स्ट्रिंग्स भी बना लेंगे। वैसे तो गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन मेरे पास 4 ही स्ट्रिंग्स का स्पेस था, तो मैंने यहाँ पे 4 ही स्ट्रिंग्स बनाई है। और ऐसे ही हम अपने गिटार की कीज़ और फ्रेट्स भी बना लेंगे। तो लीजिए, हमारा गिटार थीम वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक एकदम तैयार है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।